नगर में विकास यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के अंतर्मन की पीड़ा और दर्द सामने आया। उन्होंने न केवल अफसरों को आड़े हाथों लिया बल्कि इनके बहाने विरोधियों पर भी निशाना साधे। इकबालगंज से शुरू यात्रा शास्त्री कॉलोनी पहुंची तो वहां मंच से ही विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा, अवैध और अविकसित कॉलोनियों में जनता परेशान है, हम वेध करने के लिए प्रयासरत हैं। जनता को परेशान करने वाले कॉलोनाइजरों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए विकास कार्य करवाने चाहिए, लेकिन साल भर से नगर पालिका अमला कह रहा है कि प्रोजेक्ट बन रहा है, प्लानिंग बन रही है, सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण हो रहा है। मैं कहता हूँ, आखिर किस बात का भय है, क्या संकोच है? वह विकास शुल्क जमा करवा करके वह विकास करने के साथ साथ में सारे डेवलपमेंट के जो कार्य है जो नगर पालिका परिषद विगत साल भर से कह रही, 1.5 साल से कह रही है, हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहा है, प्लानिंग बन रही है, कार्य कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जा करके जब मेरा कार्यकर्ता, जा करके जब मेरा समर्थक, जा करके जब मेरा सहयोगी, जा करके उस विचारधारा को, उस राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति उन परिवारों में जा करके खड़ा होता है, उसे वहां पर शर्मिंदगी महसूस होती है।